तो एक दो तीन नहीं दोस्तों, 13 छुट्टी का ऐलान किया गया है दोस्तों। वो भी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सप्लाई कंपनी, जो भी कंपनी में काम करने वाले सारे लोगों के दोस्तों विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो वर्कर को अगर कंपनी छुट्टी नहीं देती है उसके खिलाफ दोस्तों कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कब से है, क्या है, प्रॉपर डिटेल से बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि 4 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि यूएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर के लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों वो व्हाट्सएप से रिलेटेड है। दुबई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है और जो भारतीय एम्बेसी भी अपडेट जारी करके बताया, क्योंकि आपको पता है कि 35 लाख भारतीय दुबई के अंदर काम करते, जितने दुनिया में जितने भी कंट्री है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भारतीय काम करते हैं दुबई के अंदर काम करते हैं। तो बताया गया दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है व्हाट्सएप पर। एक्चुअली बहुत पहले भी अपडेट जारी करके बताया, लेकिन फिर से अपडेट जारी किया गया और बताया कि कोई भी व्हाट्सएप पर कोई लिंक आएगा और आपको बोलेगा क्लिक करने के लिए, तो आप भूल से भी क्लिक नहीं करना, नहीं तो सारे जितने भी मोबाइल में आपका डिटेल्स है, जो भी बैंक से रिलेटेड कुछ ये है इंफॉर्मेशन है, कुछ एटीएम नंबर है, सारा डॉक्यूमेंट वो लोग के पास चल जाएगा और आपको दोस्तों ऑनलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों उस लिंक पर कॉल नहीं करना। दूसरा बताया दोस्तों कि अगर आपको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आए और आपको कुछ डिटेल्स पूछे तो उसके बारे में भी आप नहीं बताना। तीसरा ये भी बताया है कि अगर आपको यूएई के नंबर से, बहुत सारे लोग पुलिस बनकर बोल रहे कि मैं ये पुलिस थाना से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर इतना एफआईआर है, अगर इस एफआईआर को हटाना है तो आपको इतने पैसे पे करना पड़ेगा, या फिर बैंक कर्मी बोलकर आपको कॉल करेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये नंबर एटीएम का लास्ट नंबर ये बताओ, तो ये सब चीज़ आप नहीं बताना, नहीं तो आपके साथ ऑनलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप ब्रांच जाकर उसको जानकारी दो, पुलिस स्टेशन जाकर जानकारी दो, ऑनलाइन किसी को अपना जानकारी नहीं देना, क्योंकि यूआई गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं छुट्टी वाला अपडेट बताया, उससे पहले एक और नया अपडेट आया और बताया है कि 20 भारतीयों दोस्तों रसिया में जाकर, ठीक है, रसिया में जाकर कंस्ट्रक्शन काम के लिए जा रहे थे वहाँ पर और 20 भारतीयों वहाँ पर फंस गए, वो भी हेल्पर के काम में। इनको लाखों का सैलरी का सपना दिखा दिया गया और पता चला दोस्तों जैसे ही वहाँ पर गए एग्रीमेंट साइन कराया गया और दोस्तों वहाँ पे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, उनसे दोस्तों युद्ध कराने लगा, लड़ाई में भेजा गया है दोस्तों। उनके जितने यहाँ पे रिलेशन वाले हैं, माँ बाप जितने हैं लोग, वो परेशान हो गए, भारत विदेश मंत्रालय से दोस्तों गुहार लगाई है कि उस बंदे को वापस। इसलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, अदर ऐसे गल्फ कंट्री में जाओगे तो आपको जल्दी सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसे कंट्री नहीं चला जाना जहाँ पर आपको वहाँ पर भारतीयों की आबादी कम होती है, वहाँ पर बहुत कम सुना जाता है। इसलिए ये सब विदेश जाने से पहले ये सब चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। आप गल्फ कंट्री में जाओगे, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, तो दोस्तों उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे रसिया है और भी यूरोप कंट्री है तो वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे 20 भारतीयों के साथ प्रॉब्लम हुआ। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं बताया कि 1-2 नहीं 13 छुट्टी का अनाउंसमेंट की है यूए गवर्नमेंट। कोई भी छुट्टी का इसलिए अनाउंसमेंट पहले कर देती है कि जो वर्कर को हक ना मिले उसे हक मिल सके। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो कंपनी अगर वर्करों को ये 13 दिन का छुट्टी नहीं देगी उसके लिए गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है दोस्तों। और मैं भी आपको बार बार बताते रहता हूं कि अगर कोई भी मसला है आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। दुबई के अंदर जो नंबर जारी किया गया है दोस्तों 800084, ये मोहरे का नंबर है। अगर कंपनी आपको 13 दिन की छुट्टी नहीं दे रही है वो भी 1 साल के अंदर, ठीक है, वो दोस्तों वो नहीं आपको 1 साल में जो 1 महीने का छुट्टी देती वो तो अलग है, ये 13 दिन का छुट्टी 1 साल के यानी 2024 में आपको पैड लीव 13 दिन की छुट्टी मिलेगी। ईद में 4 छुट्टी मिलेगी, बकरीद में 4-5 छुट्टी मिलेगी, नेशनल डे का, इस तरह से दोस्तों टोटल 13 छुट्टी आपको मिलेगी और उसका पैसे भी आपको कंपनी को देना पड़ेगी। तो आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि दोस्तों इस तरह का न्यूज़ आगे तक पहुंचाया जाए कि कौन सी कंपनी देती है कौन सी कंपनी नहीं देती है। गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, कि 2024 के अंदर 13 छुट्टी पेड लीव मिलेगी सारे वर्करों को, छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, कोई भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं।